पेरिस एग्रीमेंट को 5 साल कल हो रहे हैं। कल यूएन की या यूनाइटेड किंगडम ने बैठक बुलाई है, भारत के प्रधानमंत्री भी उसमें, ये वर्चुअल मीटिंग है, भाग लेंगे। आज मैं आपको 5 साल में क्या क्या किया और दुनिया कहाँ है ये मैं बताना चाहता हूँ। पहला तथ्य यह है कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ है। 100 साल जो ग्रीन हाउस गैसेस हवा में छोड़े गए हैं, उसके आधार पे आज की जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज इज नॉट वन थिंग दैट हैज रिजल्टेड बिकॉज ऑफ रीसेंट एक्शंस, इट हैज द हिस्टोरिकल एक्शंस। एंड हु इज हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज दिस चार्ट। यूएसए हैज 25% ऑफ हिस्टोरिकल एमिशंस, 400 बिलियन टन्स। यूरोप हैज 22% of historical emissions. China has 13% of historical emissions. And India has only 3%. तो भारत केवल 3% historical, जिसके कारण आज क्लाइमेट चेंज हुआ है, उसमें भारत का योगदान केवल 3% है। तो इस समस्या को भारत जिम्मेवार नहीं है, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार देश के नाते हम इसका जो उपाय करना है उसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट, हाँ, यह भी हमें समझना चाहिए कि आज की स्थिति क्या है, आज का पोल्यूशन क्या है, आज का पोल्यूशन नहीं, एमिशन की स्टेटस क्या है। तो आज भी यूनाइटेड स्टेट्स का 15% है, 15.52% टन्स पर कैपिटा, टन्स पर कैपिटा इज 15 टन्स पर कैपिटा दैट इज देयर, एंड परसेंटेज इज 13.5%। चाइना का टोटल परसेंटेज में 30% है और पर कैपिटा में 8 टन है, लेकिन भारत का यूरोप का 8.7% है, यानी पर कैपिटा 6.47 है, लेकिन भारत केवल 6.8% हमारा कंट्रीब्यूशन आज के दिन में है इन द एमिशंस, एंड पर कैपिटा इज 1.9। तो हमारा सभी निकषों पर हम देखेंगे तो हमारा कम है, और इसलिए भारत इस समस्या के लिए कतई जिम्मेवार नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार देश के नाते हम सॉल्यूशन के लिए हमारा काम कर रहे हैं। इंडिया का और एक पक्ष है कि धरती का ज्योग्राफी जितना लैंड है, लैंड मास का वी हैव जस्ट 2.5% ऑफ द वर्ल्ड लैंड मास, एंड वी हैव 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 16% ऑफ कैटल पॉपुलेशन, बोथ रिक्वायर लैंड, वाटर एंड फीड, एंड वी हैव ओनली 4% ऑफ फ्रेश रेन वाटर रिसोर्सेस। डिस्पाइट ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स वी हैव 8% ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दुनिया में, देश में जो पर्यावरण पूरक संस्कृति है उसके कारण ये
बायोडाइवर्सिटी आज 8% है और टोटल फॉरेस्ट कवर लगभग 25% आ गया है, तो ये उसका पक्ष है। नेक्स्ट है जो हमने एनडीसीज लिए, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस, पेरिस एग्रीमेंट में 5 साल पहले 12 तारीख को हमने जो मंजूर किया था वो क्या था? वो ये था कि हमारी एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी विल बी रिड्यूस्ड बाय 33 to 35%। दिस वॉज ए ह्यूज कमिटमेंट।